खबर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां वाडा घोड़िया गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से चार मजदूर दब गए। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं दो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। साथ ही मलबे में दबे एक मजदूर की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वाडा घोड़िया गांव में कुएं की खुदाई की जा रही थी, तभी कुएं के ऊपर जमा मलबे का जो ढेर था वो अचानक खिसक गया, जिससे कुएं के अंदर काम कर रहे चारों मजदूर दब गए। इधर मामले की सूचना पाकर आसपुर एसडीएम समेत सागवाड़ा डिप्टी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश जैन हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रवेश, किस प्रकार से यह हादसा पेश आया और जो मलबा यहां पर था वो यहां पर किसका, इस बात की पहले कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया था कि इस प्रकार का कोई हादसा यहां पर हो सकता है? मैडम मनीषा जी, बता दूं आपको कि डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के वाड़ा गोड़िया गांव के कुएं में खुदाई के दौरान मलबा ढहने से चार मजदूर दब गए थे। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं दो मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और मलबे में दबे एक मजदूर की तलाश की जा रही थी। पुलिस के अनुसार वाड़ा गोड़िया गाँव में बीती रात कुएं की खुदाई की जा रही थी, वहीं कुएं के ऊपर इकट्ठा मलबे का ढेर अचानक खिस गया, जिससे कुएं के अंदर काम कर रहे चार मजदूर दब गए। इस दौरान दो मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, वहीं एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर नहीं मिला है। इधर सूचना पर आसपुर एसडीएम व सागवाड़ा डिप्टी व पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को आसपुर मोर्चे में रखवाया। वहीं सुरक्षित निकाले गए दो घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर रात से शुरू किए रेस्क्यू में ऑपरेशन के बाद भी एक तक चौथे मजदूर का कोई पता नहीं लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और चौथे मजदूर की तलाश की जा रही है। प्रवेश, जिन दो मजदूरों को हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है वो सकुशल हैं, उनकी हालत कैसी है अभी? वो भी ठीक है मंजा जी। जी बिल्कुल प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, ऐसा हादसा यहाँ पर पेश आया, प्रशासन की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी जारी है। एक व्यक्ति अभी भी कहीं दबा हुआ है जो अभी तक प्रशासन को नहीं मिल पाया है।